ब्रेक के बाद खुश आमदी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, बहुत सारी आपकी जो बिज़नेस जितनी भी मार्केटें हैं, फिर उनकी एसोसिएशंस हैं, फिर कराची लेवल पर, फिर पाकिस्तान लेवल पर, तो अगर हुकूमत सिंध या विफाक रब्ता करना चाहे आप तमाम बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए या उनकी मरातों के लिए या जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, तो ऐसी कौन सी पर्टिकुलर जमातें हैं या तंजीमें हैं जो डायरेक्ट हुकूमतों को फेस करती हैं? ठीक है, आप लोग तो कर ही रहे हैं, तो और भी तो बहुत सारी हैं, हमाद पूनावाला साहब हैं और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जमाल सेठी साहब हैं, तो देखिए ये क्या आपका कोलेशन है? बिल्कुल, इन सबसे कोलेशन अपनी जगह बिल्कुल है। बात ये कहने का कि कराची को जो रिप्रेजेंट करती हैं, तीन से चार जमातें हैं जो कराची को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं पूरे सिंध को रिप्रेजेंट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे सिंध के दौरे भी करता हूँ। सिंध की जो तकालीफ होती है, जो मुझसे कोशिश होती है हुक्मरानों तक बात पहुँचाने की, मैं उनके लिए बात पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ, और होना ना होना अल्लाह के इख्तियार में है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा काम है कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे ताजरों को शिकवा ये रहता है कि जब हुकूमत अगर किसी ऐसी आफत में ताजरों को जब बुलाती है तो बहुत सारे ताजर कहते हैं हमें नहीं बुलाया। देखिए बात ये कहने का कि हुकूमत भी क्या करे, हुकूमत किस किस को बुलाएगी? देखिए चंद लोग होते हैं बिल्कुल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी देखें ना, FBR के कोई भी इजलास होते हैं तो कराची से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मधु किया जाता है, या फिर अतीक मीर साहब हैं, और पॉजिटिव ताज कराची के अतीक मीर साहब, तो मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल से मुसलसल मसल FBR में जो भी अभी मामला चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अपने PTI के दौर के अंदर, उसमें तकरीबन हर इजलास में हम शिरकत कर रहे हैं। उससे पहले भी हमें तकरीबन 15 साल से जब भी FBR में कोई इजलास हुआ है, पिछले 15 साल की मैं आपको बता रहा हूँ, उस 15 साल के अंदर कराची से अतीक मीर साहब या शेख हबीब, ये दो आदमी रिप्रेजेंट करते थे। बात यह कि हम सबकी नुमाइंदगी करते ना, सबकी आवाज़ बनते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये गारमेंट्स वाला है, ये शूज वाला, हम शटर पावर वाले हैं। हम शटर को देखते हैं कि ये शटर वाला शख्स है, ये हमारा भाई है, ये छोटा ताजिर है, हम इसकी तकलीफ में खड़े। अच्छा, जो FPCCI चैम्बर है, फिर आबाद के लोग हैं, क्या ये भी आपसे रबते में है, ये भी पेज पर हैं? कराची चैम्बर हमें बहुत सपोर्ट करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मरहूम कासिम सराज तेली साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 इजलास CM से मैंने मुलाकातें की हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ थे। इसी तरह चैम्बर से आप देख लें, मियाँ जाहिद साहब मेरे साथ मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत देखिए बात यह कहने का कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या मकसद ये हमारे चैम्बर हो, गुड़ ना दे, गुड़ जैसी बात कर दे, सपोर्ट कर दे, हमारे साथ खड़े हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैंने जैसे भी आपको जुमला कहा, होना ना होना अल्लाह के इख्तियार में, ये हुक्मरानों के इख्तियार। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप हुक्मरानों के इख्तियार, आप नॉट ओनली सिंध, पंजाब भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, अभी लास्ट टाइम आप सखर गए तो वहाँ पे भी विक्टोरिया मार्केट और ये घंटाघर के जो पूरा एक मतलब सेंटर है सखर सिटी का, वहाँ पे भी बहुत सारी शिकायतें हैं ताजरों की, चाहे वो रेंट के इश्यूज हों, तो उनको रेस किया आपने, उसमें कोई हुकूमती शख्सियत आपके साथ बैठी? देखिए मैं बिल्कुल, मेरी बातचीत हुई है शाह साहब से, और शाह साहब ने इसको पर्सनली लिया हुआ है, और जैसे भी आपने कहा कि विक्टोरिया मार्केट का, सो बिल्कुल मैंने विक्टोरिया मार्केट का दौरा भी किया। वहाँ के मकसद है कि मकामी दुकानदार, वो 55 साल से 60 साल से वहाँ आबाद हैं, बैठे हुए हैं और रेंट पर बैठे हुए हैं, और तकरीबन ये 14,000 के करीब, 2400-2014,000 के करीब तकरीबन आसपास की मार्केटों की सारी मार्केटें मिला के इतनी दुकानें हैं। और मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट भी की थी, उसके बाद मैंने DC सक्कर से मुलाकात भी की, भाई इनका मकसद क्या मामला थे, उन्होंने कहा जी इनका किरायनामे का मसला है। हमने दुकानदारों से मिले, उनके जो माँ के जो रिप्रेजेंट करते हैं सदर फारूक, उनसे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि ये मसला है। उसके बाद मैं चैम्बर गया, चैम्बर में मिला उनके सदर से, चैम्बर से मुलाकात की, चैम्बर से भी रिक्वेस्ट की भाई इसको थोड़ी सी नजरअसानी करें, शाह साहब से भी मैंने मैसेज कराया। बात यह कि इंशाल्लाह ताला मैं तुर्की चला गया था, आपको बताया था टूर्स में, अभी मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट इसको काम को करेगी। प्लस इसके अलावा एक विक्टोरिया मार्केट भी है, ऐसा ही है, जो मोबाइल सेंटर था वो जल गया था, उसमें भी सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया, तो मैं समा पहुंचे थे शाह साहब के साहबजादे, और उन्होंने मार्केट का वर्किंग किया, उस पर काम भी हो गया, उसकी वर्किंग भी। तो वो जो काउंट है जो दुकानों का या वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे एंटरटेन करेंगे, उनको पैसे दिए जाएंगे? उनकी बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट बन गई है, नुकसान तो उनका तकरीबन 30 करोड़ रुपए का हुआ है। अच्छा, लेकिन बात ये कहने का कि वो 30 करोड़ तो हुकूमत तो नहीं कर पाएगी पूरा इतना, तो हुकूमत ने ये वादा किया कि फिर दुकान 50 लाख रुपए दे देंगे, जिसमें 10 करोड़ रुपए
दुकानदारों को मिल जाएंगे ताकि उनके कोई आंसू पूछ जाए हाँ, और वो गरीब हाँ, अपने हाँ, हाँ। रोजगार फिर से कोई कारोबार स्टार्ट कर सके और सारी कर सके। तो सिंध गवर्नमेंट का इस पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इस पर बाकायदा वर्किंग हो गई है और सिर्फ अभी चेक बनना बाकी रह गए। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला शाह साहब से मुझे उम्मीद है कि ये जल्द जो है ये विक्टोरिया मतलब ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी शेख साहब। जी जी, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आप वो चेक सारे डिस्ट्रीब्यूट करवा दें अपने तमाम उन छोटे बड़े दुकानदारों को। नहीं जी, तो मैं तो सिंध गवर्नमेंट को इस पर क्रेडिट दूंगा, खासतौर पर मैं समझता हूँ कि शाह साहब ने इस पर अच्छा उनका। आपको मजे की बात ये कि ये शाह साहब का ही हल्का है, शाह साहब इसी जगह से अलग से लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है नासिर हुसैन साहब, जिस हल्के की मैं बात बता रहा हूँ तो उसी हल्के के अंदर ये वाक्य हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला विक्टोरिया का एक अलग बैठर है और गिलेमन मार्केट जो है मोबाइल सेंटर वो आतिश गजगी का वाक्य था, तो उसके अंदर मतलब कुमेल साहब ने दौरा भी किया था, सिंध गवर्नमेंट के दूसरे लोगों ने भी दौरा किया, वो वर्किंग भी हो गया। डॉक्टर साहब आगे आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं आपने कहा कि विक्टोरिया का, तो विक्टोरिया मार्केट का मसला ये है कि वो किराए नाबे पे चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा भाई गवर्नमेंट को कोई इंसेंटिव दो, गवर्नमेंट को कैसे मामला दो जिससे कि गवर्नमेंट का सिस्टम चल सके, उसको रेवेन्यू जनरेट हो सके। इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े लोग हैं, अब वो 50 साल वाले 40 साल वाले किराए तो ना रखें ना। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि शेख साहब जैसे आप कहेंगे वैसे हम किराए बढ़ाने के तैयार हैं, 10% बढ़ा लें, 20% बढ़ा लें, 30 बढ़ा लें, 50% बढ़ा दें। और छोटे दुकानदारों को कि जो आप जिसका किराया 300-400-500 रुपए था उसको डायरेक्ट 2000 रुपए कर दें। अच्छा, देने के लिए एक सियासी दावे और सियासी वादे भी माजी का हिस्सा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये सियासी दावे और वादे नहीं है, अमली जामा पहनाएंगे? नहीं, मुझे उम्मीद है कि मकसद ये कि सक्कर जो है खुशी शाह साहब वहाँ बैठे हुए हैं, नासिर हुसैन साहब खुद वहाँ के उनसे वापस की है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस काम को उनको करना चाहिए। और सिंध तो इनका पूरा अपना है, 6.5 करोड़ आवाम जो सिंध की वो इनकी अपनी है, लेकिन जाहिर है जिस हल्के से ये खड़े हुए उस हल्के के अंदर तो लोगों को बड़ी उम्मीद है इनसे व्यवस्था है। और मैंने भी इस बात की यकीनदानी कराई है इनसे पूछे बगैर भी कि जी मैं आपको यकीनदानी कराता हूँ कि शाह साहब इंशाल्लाह ताला इस काम को करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है अल्लाह के हिसाब से कि शाह साहब बहुत सुलझे और समझदार आदमी है। बिल्कुल ऐसा ही है। चंद अफराद हैं जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो कि मकसद बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार किस्म के लोग हैं जो मकसद सिंध गवर्नमेंट को लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर एक अपने नासिर हुसैन शाह साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मुर्तजा वाब साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सईद गनी साहब हैं, मौला बख्श चाडियो साहब हैं, ये वो लोग हैं कि जो मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सपोर्ट मतलब बहुत ठीक ठाक सपोर्ट भी है। अच्छा मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स पैरामेडिक स्टाफ कोविड में बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी हॉस्पिटल्स पर होता है, तो हुकूमत तो अवेयरनेस मैसेजेस चला रही है, टीवी पर भी ये आगाही दी जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है क्योंकि आप भी ताजरों के लीडर हैं, बहुत सारे हज़ारों या लाखों छोटे बड़े ताजर आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनके दुख में खुशी में शरीक होते हैं, ये अवेयरनेस आप लोग भी दे रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम गाये बगाये सो है बिल्कुल इस चीज़ को भी अवेयरनेस भी दे रहे हैं। और आपने जिसे पैरामेडिकल कहा कि इनको हम सल्यूट करते हैं कि इन्होंने जो कुर्बानी फर्स्ट लेयर से अब तक इन्होंने दी है, बिल्कुल ऐसा ही जानों का नजराना दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस पर वफाक को भी अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए इनके लिए, और सिंध गवर्नमेंट को भी चारों सूबों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अपनी तकलीफ को इन्होंने नहीं देखा, अपनी जिंदगी को इन्होंने नहीं देखा, उनकी ड्यूटी आर्स अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने घर बार को नहीं देखा, इन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जोक तो जरूर इन्होंने खिदमत की, उनको कोशिश की, उनको अवेयरनेस देने की कोशिश की, उन्हें अगर कोई तकलीफ थी उनको दूर करने की कोशिश की, तो मैं इनका शुक्रिया। अच्छा, सिंध हुकूमत ने इंट्रा सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उन पर अभी पाबंदी के लिए अहकाम और इस तरह की चेमागोयाँ चल रही हैं कि पीर से बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी, फिर यहाँ पे भी या 50% लोगों को बिठाया जाएगा, इस पर ट्रांसपोर्टर्स बड़े मतलब नाराज़ नज़र आते हैं, तो इस इकदाम को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे भाई ट्रांसपोर्टर को भी ये बात को थोड़ा सा समझना होगा, थोड़े से मामला को देखना होगा। जब किसी मुल्क में कोई वबा या कोई चीज़ आ जाती है और वो सूबे वाइज में अगर होती है, हर सूबे में नहीं हो, तो कोशिश ये की जाए कि उस सूबे के अंदर उसको महदूद कर दिया जाए, वहाँ से लोगों को कम निकला जाए ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़े। देखिए आपको पता है चाइना के अंदर जब ये वाकया पेश आया था तो वुहान के अंदर वो बिल्कुल उन्होंने कवर कर दिया, उन्होंने उसको कवर करके उस जगह को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, उस सिटी से ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, बहुत स्मार्ट खेला, कोई नाराजगी की बात नहीं है। ये हमारे भाई है ट्रांसपोर्टर, इनके लिए हम हर जगह खड़े, बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि ये तो हमारे साथी हैं, बिल्कुल ऐसा हमारी
प्रोडक्ट को, हमारे सामान को, हमारी चीजों को, हमारे आने वाले कस्टमरों को, यानी तो इनसे तो हमारी वो व्यवस्था की है कि हम इनके इनको तो फरामोश कर ही नहीं सकते, इनको तो हम अपने सीने से अपने साथ लगा के खड़े हो सकते हैं, इनकी हर तकलीफ में हम इनके साथ खड़े। लेकिन जब कोई तकलीफ आ जाए तो अगर गवर्नमेंट अगर कोई फैसला करती है तो मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई बेहतरी होगी इसमें। और हदीस भी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाती है उस शहर से किसी दूसरे शहर में वो मुंतकिल ना हो, हिजरत ना की जाए, वबाई हालात हो, वबाई हालात हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये काम करने जा रही है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो कि आज ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, या हफ्ता एतवार पे अभी ये आगे बढ़ेगा सिलसिला कि फिर हम 6 बजे आम दिनों में भी मार्केटें बंद, फिर आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है आपको कि अल्लाह मसला ये कहने का कि वो एक अपनी जगह पे। मैं सिर्फ बार बार यही बात कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि सिर्फ मास्क के ऊपर तंगी कर आवाम को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी, तमाम महकमों को भी, कि वो भी इस चीज़ को फॉलो करें। और ये देखें टाइमिंग शेड्यूल अगर आप देंगे ना, देखिए फिर बढ़ेगा। अच्छा, टाइमिंग शेड्यूल तो ये हल नहीं है ना, ये हल नहीं, मतलब जैसे हफ्ता इतवार पे अगर आप बढ़ जाएंगे तो फिर लोग डबल निकलेंगे। पता क्या, हमसे लोग ये कहते हैं कि हफ्ते इतवार को छुट्टी कराते हैं तो क्या उस दिन कोरोना निकला हुआ होता है, बाकी 4 दिन कोरोना नहीं होता? तो ये थोड़े से सवालात होते हैं, वो चुपते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए और वफाक को भी चाहिए वो चीज को इसको देखे और समझे। चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है शेख साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।